नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ तनु वर्मा। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार चरम पर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेताजी के रोड शो में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। तो मंत्री जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चाहेंगे, जिस चीज में आप बेहद ही चर्चित हैं, राम भजन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लाइन्स इसकी गुनगुना दीजिए। देखिए, वर्षों की तपस्या थी, सबका सपना था कि अयोध्या में रामलला विराजे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में अयोध्या में रामलला विराजे हैं। तो उसी के संबंध में दो लाइन गुनगुना लेते हैं। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, आज झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। रामायण पाठ पर आप जाते रहे हैं, क्या लगता है आपको कि राम मंदिर का मुद्दा आम जनता को कितना प्रभावित कर पा रही है? देखिए, राम हमारे जीवन का आदर्श है, राम में जीते हैं और राम में मरते हैं, और राम हमारी संस्कृति भी है। आज पूरा हिंदुस्तान राममय हुआ है। हर हिंदुस्तानी के मन में एक भाव था कि राम जी आए, अपने जगह में विराजे। कई वर्षों तक टेंट में रहे हैं, बाहर रहे हैं, और जन जन के मानस में है राम। तो राम मैं हैं और राम हमारी आस्था है, और राम मंदिर में विराजने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद लोगों की आस्था तो है ही है, पर मोदी जी की तरफ आस्था ज़्यादा बढ़ गई है। तो आगे भी ये सफर जो है जारी रहेगा। इसके बाद बाइक के साथ हम मंत्री जी से चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। नेताजी के रोड शो में अब हम बाइक से सवार करेंगे। देखिए, मंत्री जी बाइक चलाते हुए आगे जा रहे हैं। अब यहीं से हम सवाल जवाब जो है वो शुरू करते हैं। अभी आपकी पार्टी जो जो मुद्दे उठा रही है, चाहे आरक्षण में मुस्लिम तुष्टिकरण की हम बात करें या विरासत वाला बयान हमले, क्या लगता है आपको, आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की जनता इन सब मुद्दों को लेकर क्या सोचती है? देखिए, कांग्रेस का जनाधार समाप्त हो रहा है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ किया नहीं है, और उन्होंने तुष्टिकरण की नीति अपनाई है, चाहे मुस्लिमों के लिए हो, चाहे एससी के लिए हो, एसटी के लिए हो, ओबीसी के लिए हो। देश में कई जगह में वोटिंग परसेंटेज घटा है, और इसके बाद छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, कैसे देखते हैं इसको, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, यहाँ पे हमारी जो नई सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जी की सरकार, उन्होंने जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत काम किए हैं, और यहाँ का जो वोटिंग दर है बढ़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक ले गए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, तो निश्चय ही यहाँ के मतदाताओं में उत्साह है, उमंग है, और सब अभी जो चार लोकसभा का जो वोटिंग हुआ है उसमें बहुत ही बढ़िया परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किए हैं। विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी सभी पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है। महतारी वंदन योजना के तहत आप लोग 12,000 रुपए सालाना दे रहे हैं। इसके साथ ही अब कांग्रेस जो है नारी न्याय योजना पर 1,00,000 रुपए सालाना देने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी आपको जनता का साथ मिलेगा? देखिए, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं है, कांग्रेस केवल वादा करती है। 2018 के चुनाव में उन्होंने महिलाओं के लिए वादा किया था कि 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और 65 साल से अधिक के महिलाओं को 1,500 रुपये। उन्होंने 1,500 1,000 छोड़िए, 1 रुपया नहीं दिया, और हमारी विष्णुदेव साय की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, जो कहे थे वो दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह हमारे यहाँ की महिलाओं को, बहनों को 1,000 रुपये दे रहे हैं, ये मोदी जी की गारंटी है, सबको मिल रहा है। इस बार के चुनाव में क्या लगता है आपको कि चेहरे इम्पोर्टेंट है, मोदी वर्सेस राहुल या फिर मुद्दों पर वोटिंग होगी? देखिए, राहुल को तो हटा ही दीजिए, उसके चेहरे को, राहुल के चेहरे को कोई देखना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी भाषा शैली, उनके बोलने का तरीका, और देश के खिलाफ ही कई बार टिप्पणी किए हैं, चीन वगैरह का समर्थन कर देते हैं अपने भाषण में, तो उनकी तो बात ही मत कीजिए। और हमारे मोदी जी तो बहुत लोकप्रिय नेता हैं, केवल हमारे देश के लोकप्रिय नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गांव-गांव तक पहुंच रही है, गरीब, गांव, किसान, सबके लिए
आज मोदी जी की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, सबके जीवन स्तर में उठाव आ रहा है। चाहे हम स्वच्छता मिशन की बात करें, उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, निःशुल्क राशन की बात करें, महतारी वंदन की बात करें, सभी योजनाओं का, नल जल योजना की बात करें, तो ये सब योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। इस बार के चुनाव में 11 लोकसभा सीटों में जीत का टारगेट आप लोगों ने रखा है जो आज तक प्रदेश में कभी नहीं हुआ, तो इस बार ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इस बार हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं, सभी योजनाओं को लेकर के हम जा रहे हैं। और अभी का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव है। सारा देश चाहता है कि देश के विकास के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल और केवल मोदी जी की आवश्यकता है। सारा देश चाह रहा है और हमारा देश जो है मोदीमय हो गया है। और इस समय हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों सरकार के योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि इस बार 11 की 11 सीटें जीत करके आएंगे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी पिछले सरकार के कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, क्या लगता है आपको कितनी टक्कर मिल पा रही है आपकी पार्टी को उससे? देखिए, ये सब क्लाप चेहरे हैं। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी में सभी स्वच्छ, सुंदर और अच्छे लोग हैं जो अभी सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रधानमंत्री पर हमलावर है, तरह तरह के बयान वो देते हैं, क्या लगता है आपको आखिर कांग्रेस ऐसी बयानबाजी अभी क्यों कर रही है? देखिए, हमारे विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की काम जो है साय साय चल रहा है, और इसको देख करके कांग्रेसी जो है तिलमिला गए हैं और बखलाहट में कुछ भी बयान दे रहे हैं, आए बाएं बोल रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री को डंडा मारने की बात करते हैं, कभी गाली देते हैं, माने जितने उनके बड़े बड़े नेता हैं सब तिलमिला गए हैं, इसी कारण वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, जिनसे हमने तमाम तरह के सवाल किए और मंत्री जी ने बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आगे फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।